नमस्कार, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर नाना पाटेकर आज सुर्खियों में हैं तनुश्री दत्ता के विवाद को लेकर। एक से बढ़कर एक फिल्मों से बॉलीवुड में खास पहचान बनाने वाले नाना पाटेकर के बारे में जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो नाना पाटेकर के फैंस जरूर जानना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं कि नाना पाटेकर की एक्टिंग के टैलेंट को बहुत पहले एक्ट्रेस स्मिता पाटिल ने देखकर उन्हें कहा था कि उन्हें फिल्मों में आना चाहिए। फिल्म प्रहार में कमांडो के किरदार के लिए खास तौर पर नाना पाटेकर ने पुणे जाकर ट्रेनिंग ली थी। ये फिल्म नाना पाटेकर की डायरेक्टेड डेब्यू फिल्म थी। फिल्म परिंदा में पहले नसीरुद्दीन शाह को साइन किया जाना था, लेकिन किसी वजह से ये मौका उनके हाथ से निकल गया, जिसके चलते फिर नाना पाटेकर को ये मौका मिला और फिल्म में नाना पाटेकर ने बेहतरीन एक्टिंग दिखाई। नाना पाटेकर पहले ऐसे एक्टर थे जिन्होंने शाहरुख, सलमान, आमिर और अमिताभ से पहले अपना मेहनताना करीब 1 करोड़ रुपए मांगा था। ये फीस उन्होंने फिल्म क्रांतिवीर के लिए मांगी थी। पार्थो घोष की फिल्म युग पुरुष के लिए पहले नाना पाटेकर और श्रीदेवी का नाम लिया गया था, लेकिन जब श्रीदेवी ने वो रोल नहीं किया तो मनीषा कोराला ने नाना पाटेकर के साथ फिल्म की। नाना पाटेकर ने सिर्फ एक्टिंग और डायरेक्शन में ही नहीं बल्कि गायकी में भी अपना कमाल दिखाया है। नाना पाटेकर ने फिल्म यशवंत, वजूद और आँच में प्लेबैक सिंगिंग में भी हाथ आजमाया था। नाना पाटेकर की बेहतरीन फिल्मों में उनके जबरदस्त डायलॉग्स खासे पसंद किए जाते हैं। आपको बताते हैं कौन कौन है उनकी जबरदस्त फिल्में। उनकी फिल्में हैं क्रांतिवीर, वजूद, यशवंत, वेलकम बैक, परिंदा और तिरंगा। इन सभी फिल्मों में नाना काफी पसंद किए गए, साथ ही उनके दमदार डायलॉग्स ने जादू चलाया। तो ये है नाना पाटेकर के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है।